हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक एंड आल्सो फॉर नेक्स्ट मंथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे देखोगे तो इस महीने के लिए अभी कॉपर ट्रेड कर रहा है लगभग 3.3% ऊपर 25 रुपये गेन के साथ। लास्ट मंथ हमने जो है तो 8 रुपये का लॉस देखा था, 1% नीचे बंद हुआ था। यहाँ ऐसा लगता है कि कॉपर का जो करेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ कॉपर में फिर से रिवर्सल दिख रहा है। शायद इस बार जो रिवर्सल आया है, अगर हम 800 ये जो लेवल है लगभग 770 का ये होल्ड करते हैं तो हमें फिर से जो है तो 860 और 940 के लेवल जो है तो कॉपर दिखा सकता है। हमारे जो नीचे के टारगेट थे वो लगभग अचीव हो चुके थे। हमारा जो टारगेट था वो 720 का था और हमने हाई लो देखा था लगभग 740 के अराउंड। अभी यहाँ जो है तो कॉपर जो है तो बुलिश दिख रहा है ऑन मंथली चार्ट और यहाँ ऊपर ही टारगेट रखने पड़ेंगे। जब तक ये 770 के नीचे नहीं जाता है तब तक आपको लॉन्ग टर्म व्यू इसका बुलिश रहेगा। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे देखोगे तो लगभग ये तीसरा हफ्ता है कॉपर के लिए जिसमें हमने गेंस देखे हैं। इस हफ्ते हमने 3% गेन में देखे हैं, लगभग 23 रुपीज का पॉजिटिव गेन के साथ बंद हुआ है कॉपर। लास्ट वीक जो है तो 6 रुपये का गेन था, लगभग 0.07% प्लस बंद हुआ था। और उससे पहले जो है तो 18 रुपये का गेन था, लगभग 2.5% गेन के साथ कॉपर बंद हुआ था। तो यहाँ जो है तो हमने 50 वीक का जो एवरेज है उसके अराउंड सपोर्ट लिया है और वहाँ से बाउंस बैक कर रहे हैं, तो ये एक रैली में कन्वर्ट हो सकता है। यह आपको जो है तो 860 और उसके बाद में 940 के टारगेट जो है तो मीडियम टू लॉन्गर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ मेरा व्यू रहेगा एज पर वीकली चार्ट लॉन्ग साइड का। और यहाँ आपको जो है तो जब तक कॉपर 780 के ऊपर है तब तक मेरा व्यू एज पर वीकली चार्ट बुलिश रहेगा। टारगेट रहेगा मेरा, पहला टारगेट रहेगा 860 रुपये का। तो करंट लेवल से लगभग 20 रुपये की रिस्क है और 60 रुपये का टारगेट है, तो 1:3 बैठता है। अगर आपको ये 790-785 के अराउंड मिलता है तो 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप कॉपर में लॉन्ग जा सकते हो जिसका टारगेट रहेगा 860। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप यहाँ देखोगे तो इस महीने के सभी टारगेट कॉपर ने अचीव कर लिए। अभी यहाँ सिर्फ एक बात देखनी होगी, अगर हम 815 के ऊपर क्लोज करते हैं डेली क्लोजिंग बेसिस पे तो आपको यहाँ एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्रैप हो चुके हैं शॉर्ट, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिखेंगे 815 के ऊपर जिसका टारगेट रहेगा 860। यहाँ नीचे की तरफ जो है तो 780-785 ये सपोर्ट जोन दिख रहे हैं ऑन डेली चार्ट। अगर उसके अराउंड आता है तो कॉपर में हम लॉन्ग साइड ही ट्रेड लेंगे विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारा जो रहेगा वो रहेगा लगभग 710 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा जो मेजर सपोर्ट है वो 760 के अराउंड है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो शायद कॉपर जो है तो 760 तक भी आ सकता है। अगर वहाँ तक आता है तो आपको वहाँ जो है वहाँ भी लॉन्ग साइड ही व्यू रखना है आपको, मगर स्टॉप लॉस के साथ। वहाँ भी 10 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 760 पे खरीदते हैं तो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा आपका लगभग 815 रुपये और मीडियम टर्म टारगेट रहेगा 860 रुपये। तो ये दो लेवल है 785, अगर ये ब्रीच होता है 785-780 अगर ये ब्रीच होता है तो वहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट है 760 का। अगर उसके अराउंड से वहाँ से आपको बाउंस बैक मिलता है तो आपको जो है तो 860 तक के लेवल जो है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। करंटली हमारे जो टारगेट थे सभी कॉपर में वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। या थोड़ा सा हमारा कॉशिश भी हो रहेगा, नीचे के लेवल हम बिल्डअप होने देंगे और उसके बाद में फिर ट्रेड लेंगे। अभी जो नया ट्रेड होगा मेरा, अगर मुझे कॉपर में लॉन्ग करना ही है तो मैं 815 के ऊपर ही सोचूंगा, क्योंकि यहाँ जो है तो अभी एक कंसोलिडेशन और करेक्शन में बहुत सारे आपको वोलेटाइल मूव दिखेंगे, उसकी वजह से प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं होंगी। करंटली मेरे हिसाब से कॉपर जो है तो अवॉइड है। सिर्फ 815 के ऊपर निकलता है तो फिर लॉन्ग पोजिशन लेने में टारगेट रहेगा 860 रुपये, और नीचे जो है तो 760 के अराउंड मिलता है तो भी हम लॉन्ग करेंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि जिस तरह से मंथली और वीकली चार्ट है, हमें मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी है कि हम 860 और 940 के लेवल फिर से आते हुए देखेंगे कॉपर में।
और जिस तरह से ये कैंडल बनी है आप देख सकते हो, ये डेली चार्ट पे जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को लो को ये टेस्ट करेगा फिर से ये कैंडल की स्ट्रेंथ देखने के लिए। जो सेलर है वो उसका लो जो है तो टेस्ट करेंगे, हो सकता है कि यह पिवोट जो है तो 760 के अराउंड है, तो पिवोट को टच करने के बाद आपको शायद मंथ के लेटर हाफ में जो है तो एक अच्छी खासी ऊपर की लेवल के तरफ मूव देखने को मिल सकती है। अभी करंटली ये जो मोमेंटम बिल्डअप हुआ है ये कंटिन्यू होता है और हम जो है 715 के ऊपर जाते हैं, तो आपको इसी महीने में कॉपर में लगभग 860 रुपये के टारगेट आते हुए देखेंगे। तो 815 के ऊपर बुलिश हेज ब्रेकआउट और टारगेट आएगा 860 का। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना है विद द लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलो, तो आप मेरे प्रीमियम कमोडिटी कॉल ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.